हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको टीवाई बीकॉम में जो चैप्टर चल रहा है आपका प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, उसमें लेटेस्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको जो लास्ट अभी फ्यू इयर्स में आए होंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई बीकॉम अप्रैल 2012 में आया हुआ है। हो सकता है आपके एडिशन में वो यहाँ पर नहीं हो तो आगे मिल जाएगा आपको, आप नंबर्स के अकॉर्डिंग चेक कर लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ समर्थ लिमिटेड प्रिपेयर परचेज बजट फॉर 4 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 4 मंथ्स का हमें परचेज बजट बनाना है। अब ये मैं आपको यहाँ पर पहले से ही बताता आ रहा हूँ। सबसे पहले सेल्स बजट बनाया जाता है, देन प्रोडक्शन बजट, देन रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट एंड देन फाइनली परचेज बजट। तो अब हम सीख रहे हैं परचेज बजट, परचेज बजट कैसे बनाया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सेल्स दिया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। मंथ्स दिए हुए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बट हमें बनाना है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, इसलिए यहाँ पर मार्च का कॉलम नहीं बनेगा, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। नाउ आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये जो गुड्स सेल करते हैं ये गुड्स 25% ऑन कॉस्ट सेल हो रहे हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल्स लिख रहा हूँ, सेल्स। तो सेल कितना है, तो अप्रैल का सेल है 4 लाख रुपीस, मई 5 लाख रुपीस, जून 6 लाख, जुलाई 7 लाख। ये हमारे पास सेल दी हुई है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब अगर सेल में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ये पॉइंट ध्यान से समझना। एक पॉइंट तो आप याद कर लो कि अगर 25% ऑन कॉस्ट होगा तो वो हो जाएगा 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। कैसे वो समझो, सपोज कॉस्ट इज ₹100, सपोज करते हैं 100 रुपीज कॉस्ट है, सो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%, तो ये हो जाएगा 25 रुपीज, तो ये हो गया 125 सेल्स, ये हो गया 125 सेल्स। अब हम करेंगे इफ सेल्स 125 देन ग्रॉस प्रॉफिट 25, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25। इफ सेल्स इज 4 लाख, सेल कितना दिया हुआ है यहाँ 4 लाख, सो इफ सेल्स इज 4 लाख देन प्रॉफिट हाउ मच। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसे, पहले 4 लाख, ये देखिए 4 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो कितना आया आंसर 80,000। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 80,000। एक तो ये मेथड था जो मैंने आपको करवाया, कौन सा, ये जो कैलकुलेशन करवाई आपको। दूसरा और
यहाँ पर मैं और लिख रहा हूँ, ये 25% ऑन कॉस्ट होता है ना, तो वो 20% ऑन सेल होता है, और यहाँ पर हमें सेल्स दिया हुआ है, तो मैं जीपी लिखूँगा 20% ऑन सेल्स। अगर मैं सेल्स का 20% कैलकुलेट कर रहा हूँ सीधा 4 लाख का 20%, तो भी हमारा 80,000 हो ही जाएगा, ठीक है। सो नाउ पहले मैं सेल्स का 20% कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 5 लाख का 20% करेंगे, ये हो जाएगा 1 लाख। 6 लाख का 20% 1,20,000। 7 लाख का 20% 1,40,000। नाउ 4 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे, 3,20,000, 4 लाख, 480 एंड 7 लाख माइनस 140,560। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेल्स में से जीपी माइनस किया, ये हो गया हमारा कॉस्ट। अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो सेम जो हम यहां पर कर आए हैं, प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। सो प्लस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हम अप्रैल मंथ का क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कितना है। सो अप्रैल मंथ का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये देखिए 30,000। मई मंथ 40,000, जून 60,000, जुलाई 80,000, ये है क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे चाहिए अप्रैल मंथ का ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ अप्रैल मंथ का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कि अप्रैल मंथ का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। आ रहा है ध्यान में, फिर से अप्रैल मंथ का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। क्लोजिंग तो दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, मुझे चाहिए अप्रैल मंथ का ओपनिंग स्टॉक। चलिए देखिए, मार्च का क्लोजिंग है, मार्च मंथ का क्लोजिंग है 50,000, दैट मीन्स अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, मार्च क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग। नाउ अप्रैल क्लोजिंग, तो मई मंथ के लिए ओपनिंग हो जाएगा, मई का क्लोजिंग ये है, मई का क्लोजिंग जून का ओपनिंग, एंड जून का क्लोजिंग तो जुलाई का ओपनिंग 60,000, ये 60,000 है, यहाँ से लिखना था, ठीक है। सो 50,30,40 and 60,000। नाउ आइए हम परचेज बजट का टोटल करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा 3,20,000 प्लस 30,000 माइनस 50,000, तो आंसर आ गया 3 लाख रुपीस। ये है अप्रैल मंथ का परचेज बजट। नाउ मई मंथ 4 लाख प्लस 40 माइनस 30, तो ये हो गया 4,10,000। नाउ जून 480 प्लस 60
माइनस 40, तो जून मंथ का आ गया 5 लाख रुपीस, एंड जुलाई 560 प्लस 80 माइनस 60, तो ये हो गया 580 जुलाई मंथ के लिए। ये 60,000 है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 60,000 है, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल, जो लेटेस्ट एडिशन दी हुई है, लेटेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वहाँ पर समर्थ लिमिटेड लिखा हुआ है। अगर आपके बुक में ये नहीं है, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स में नहीं दिखा रहा है आपको, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट एग्जामिनेशंस, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस एग्जाम्पल्स देखिए, इसके बाद वाले में नहीं होगा, इसके पहले वाले में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। सो आज हमारे ये सारे बजट्स पूरे हो गए। सारे बजट्स कहने का मतलब है कि सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट भी हो गया, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट भी हो गया, एंड परचेज बजट भी हो गया। तो चैप्टर का नेम ही है प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स। इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर किया था वहाँ था कैश बजट, वहाँ पर हमने ये सीखा कि हमें कैश बजट कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने सीखा कि अलग अलग टाइप के जो बजट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स। नाउ आज का होमवर्क। सो आज मैं आपको होमवर्क में ऐसा सम दे रहा हूँ जो मैंने आपको करवाया नहीं है। करवाया नहीं है मीन्स ये बजट्स में नहीं आ रहा है, ना प्रोडक्शन बजट है, ना सेल्स बजट है, ना रॉ मटेरियल बजट है, ना ही परचेज बजट है। यहाँ पर हमें सेलिंग एक्सपेंस बजट बनाना है। कौन सा? सेलिंग एक्सपेंस बजट, और ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये आपको होमवर्क में करना है। एक कंपनी है नवनिर्माण कंपनी लिमिटेड, 4 ब्रांच हैं इनके, अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर एंड टोटल, सॉरी 3 ब्रांच एंड टोटल। हर एक ब्रांच के एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ कुछ इनके बजट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, वो दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट आपको समझा रहा हूँ। कमीशन इन ईच एरिया इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। हर एक एरिया का कमीशन 5% इंक्रीज करना है। सो अहमदाबाद का 1500 है तो 5% प्लस कर दो। 1500 का 5% कितना होता है? तो 75। सो 1500 प्लस 75, 1575। 1200 का 5% ऐड कर दो तो होता है 1260। 1400 का 5% ऐड कर दो तो होता है 1470। एंड देन इन तीनों का टोटल करेंगे तो 4305। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आज आप होमवर्क में करोगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने जस्ट अभी आपको करवाया, ये रहा क्वेश्चन, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।